हांजी हांजी चलाना भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਉਂਗਾ ਸੋ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਕਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਨਕਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਵਲੌਗ ਤੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਰਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰਾਈਡ ਕਿਧਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ मैं बस जा रहा हूँ दसुए तक, दसुए से फिर वापस रिटर्न आऊँगा। और आज मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, आज कोई भी नहीं अपने साथ। अभी अरे ईश्वर की ये कैसी माया, पीछे की धूप यहाँ पे है छाया, क्या बात है। ये हम आ गए मिर्चल, और मिर्चल से आगे बड़ा प्यारा पुल है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब ट्रक वाले भैया दूसरे ट्रक वाले भैया के साथ पास पास खेल रहे हैं, और यहाँ पे मिले हैं हमें पब्लिक रिएक्शन। साइड है रेलवे ब्रिज, इस साइड है अपना रोड। बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो सर, परफेक्ट लेन में चल रहे हो। मेरे को ना यार ये वाला पुल बड़ा प्यारा लगता है, और ये रात को और भी अच्छा लगता है। कभी अगर रात को यहाँ से निकलूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सो प्रीटी यार, ये है ऊंची बस्ती जगह का नाम। बहुत मज़ा आया यार, कसम से राइड करने में मज़ा आ गया। बढ़िया बढ़िया यार, अच्छा है, अच्छी लोकेशन है ये वाली। और अपनी बाइक तो यार देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सेक्सी लग रही है ना। बाय बाय। अब आता है, आपको सुबह सुबह दर्शन करा दिए मैंने, मतलब मैं मॉर्निंग में हूँ, आपका नहीं पता आप कब देख रहे हो। जय शंकर की। भाई इधर चल रहा है टाइम 6:05, 4:03, 2:01, और उधर खड़े हैं अपने एक और राइडर, मैं आपको मिलाता हूँ उनसे भी। ये हैं दसुए से साढ़े बड़े पाजी बिग बी, और ये है इनकी बाइक। ये हमारे बड़े भैया हैं, और हाँ ये वो लगा होगा कीड़ा वीड़ा लेंस पे। नहीं नहीं कोई ना, बाजू डालेंगे। और मैं इनकी बाइक दिखाता हूँ, ये है इनकी बाइक रॉयल इनफील्ड की 350 क्लासिक, बड़ी अच्छी रखी है इन्होंने बाइक अपनी। चलाई कम है, चलाई भी बड़ी कम है, बट अभी चलाएंगे जब हमारे साथ राइड पे जाओगे है ना, तब आपको लेके चलेंगे। हाँ पहले चाय पियेंगे, चलो चलते हैं। तो भाई सबसे पहले पियेंगे हम बढ़िया सी चाय, एंड उसके बाद जाना किस साइड है, इस साइड। ओके तो ये है द चाय कैफ़े, आपको दसुए में मिल जाएगा। अगर नेशनल हाईवे पे देखो साथ में ये लेफ्ट साइड पे। अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं और पियेंगे एक बढ़िया सी चाय हमारे बड़े भाई के साथ। निकल गया हूँ दसुए से पठानकोट की तरफ, अब निकल गए हम, और शाम के बज गए हैं 4:30। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी, हेलो सर। दसुए तो आ रहे हैं, दसुए तो दसुआ दसुआ, हाँ जी हाँ जी।
चीजा बाइक के बारे पता होना चाहिए अपा नू किस चीज का जी एक्स्ट्रा चीज लावा ली ना म्यूजिक लाया म्यूजिक केड़ा नहीं समझे तुसी म्यूजिक आ जा कोई है नहीं कोई भी चीज आ अपने को लवाया है हां ठीक है सर तुम्हारी गल ठीक है बट पता की है जेडी कंपनी लाइट देती है ना सानू ओदी हुंदी डेंसिटी घट हुन साडे एरिया च पैंदी धुंद ज्यादा राइट परमिशन लेनी पैनी है जेड़ी भी चीज आपा एक्स्ट्रा लगानी है ना मान लो कमर्शियल आपा कोई यूज करनी है चीज तो आपा आटिए सब को ओके ओके That's good, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही गल ठीक है सर ओके सर थैंक यू नहीं सर बहुत वधिया तुसी बहुत वधिया काम कर रहे हो सर आई अप्रीशिएट योर वर्क हाँ सही है सही है ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਬੜਾ ਮਾਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਈਏ ਫੋਨ ਅਰੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਓਕੇ ਸਰ तो भाई पुलिस वालों ने रोक लिया था एंड आप सभी ने देखा यार सही है पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बहुत बढ़िया ड्यूटी गई है उन्होंने मुझे खाली ये चीज़ बोला कि ये जो मैंने फॉग लाइट लगाई है तो इसका चलान है तो हाँ भाई इसका चलान तो है लेकिन अब क्या करें अपने एरिया में ना ये फॉग बहुत ज़्यादा होती है तो फॉग होने की वजह से क्या होता है कि रात में विजिबिलिटी कम होती है तो फिर आपको पता ही है फॉग लाइट किस काम आती है तो इसीलिए मैंने ये वाली फॉग लाइट इंस्टॉल की है तो इसका चलान बोल रहे थे बट उन्होंने बोला कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है हेलमेट आपने इतना अच्छा पहना कि एंड आपने ये भी सुना होगा कि आपने यार आपको मतलब कि गिफ्ट देने का मन कर रहा है बट कुछ है नहीं है तो अप्रिशिएट यार करते हैं ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को है ना जितने भी हैं हमारे पंजाब के पठानकोट के और ये मुकेरिया में मुझे रोका था एंड भाई देखो उन्होंने मुझे रोका ना उन्होंने मेरी बाइक की चाबी निकाली ना उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि ये है वो है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात की है और अगर आपको पुलिस वाले कोई भी रोके ना तो मैं भाई सबको बोलूँगा कि आपको रुकना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि आप चलो या जो भी करो बट आपको रुकना पड़ेगा रुकना या रुकोगे ना देखो रुकने से कुछ नहीं है रुकोगे आप बात तो होगी ना कुछ बात का पता चलेगा ऐसे आप चले जाओगे तेज़ निकलोगे आप खुद भी खतरों में हो दूसरों को भी खतरों में डालोगे और पंजाब पुलिस को ना ऐसे बदनाम मत करो सभी एक जैसे नहीं होते ठीक है एक दो की वजह से पूरा सिस्टम खराब है सबकी वजह से पूरा सिस्टम नहीं खराब राइट तो अभी मैं मुकेरिया से निकल गया ब्यूटीफुल सनसेट है ना अरे वाह वेलकम टू पठानकोट पठानकोट में आपका स्वागत है आपको वेलकम का बोर्ड भी नहीं लगा है ना सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा व्लॉग का जो बेस्ट पार्ट आपको लगा कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी आपको नए नए कंटेंट आपसे मिलेंगे इस वीडियो पे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय लव यू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड स्टे ट्यून